अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जुबैदा बिलाल और आप देख रहे हैं जुबैदा बिलाल व्लॉग। तो जनाब, आप कह रहे होंगे किचन में शायद मैं कुछ करने आई हूँ, कुछ कुकिंग करने आई हूँ। तो जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किचन जो है ना अपना लगी हूँ डेकोरेट करने। मैं इतने इतने दिनों से बिलाल से कह थी, बिलाल मेरा दिन चलता है कि डेकोरेशन पीस, कुछ फ्लावर वगैरह, कुछ इस किस्म की कोई चीज जो है ना वो मैं करूं। तो बिलाल मुझे कहते हैं कि बिला किचन में फ्लावर रखोगी तो वो फिर तुम पराठे भी बनाती हो, कुकिंग वगैरह करती हो, तो ऑयल वगैरह वो गंदे हो जाएंगे। तो मैंने कहा वो मेरा मसला है, मैं कैरी कर लूंगी। मैंने कैसे फूलों को साफ रखना है वगैरह भी मैंने कहा था कि मेरे किचन के जो निचली साइड पे ना वहां पे मुझे स्ट्रिप लाइट जो है वो भी लगा कर दें। तो आज हम लोग गए थे बाहर बस अपनी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे बिलाल ने कहा चलो ये चीजें भी जो है हम ले लेते हैं। तो जहन में चीज थी नहीं कि बिलाल मुझे करके देंगे। जाहिर है खवातीन जो है ना वो कुकिंग तक ही रह सकती है, इस तरह के काम बिजली वाले तो हम नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रॉनिक के। तो वो फिर बिलाल नहीं करके देने थे, तो मुझे ये था ये नहीं करके देंगे। आज इन्होंने अचानक कहा कि चलो क्या याद करोगी भाई, तो मैं ये काम कर देते हैं। तो ये जनाब लगे हैं अब जनाब लाइटिंग शाइटिंग करेंगे, कुछ डेकोरेट करूंगी और मेरा ये ख्वाब जो है ना पूरा हो जाएगा और मेरे किचन की जो है ना एक न्यू लुक हो जाएगी और दिल के अरमान जो है वो पूरे हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बस घर को डेकोरेट करना जो है ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे बस में तो पता नहीं अपने घर में क्या क्या करूं। अच्छा भी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों फैमिली के साथ, और आखिर में अच्छा सा कमेंट्स कर देना। मेरे बच्चे सो गए। आज क्या हुआ है, आज हमारे साथ ये हुआ है कि हम सारा दिन जो है ना, ज़्यादा रमजान आने वाला है, हम लोग उसी की तैयारी में लगे रहे। यानी कि मैंने खिड़कियां शिड़कियां जाले शाले अपने ड्राइंग रूम के सोफे बाहर निकाल के उसके मतलब कारपेट को झाड़ा, उसके बाद मैंने वहां की खिड़कियां विंडो साफ की सारी खोल के पूरी, मैंने कहती ना डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, सारा दिन हम दोनों मियाँ बीवी लगे रहे। और हमने पूरे घर की जो सफाई है ना रमजान से पहले ही हमने कर ली है। अब हमें ये टेंशन नहीं है कि हमने जो है ना वो ये करना है वो करना है। अब मैं जो ना रमजान से पहले जो है ना फ्री हैंड हो गई, मुझे कोई अब टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये करना है ये डीपली। किचन की भी जो ऊपर की ये मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये किचन के जो कैबिनेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे कुछ लोग वैसे ही रहने देते हैं, तो वो अक्सर मट्टी वगैरह और वो गर्दो गुबार और पराठे बनाते हैं, वो गंद बलासा जो भी है उसके ऊपर जमसा जाता है। अच्छा, मैंने इनके ऊपर जो है ना वो अखबारें वगैरह बिछा दी हैं ताकि जो है ना जो भी मिट्टी हो अखबारों पे ऊपर आ जाए। और मैं क्या करती हूँ, 1 या 1.5 महीने के बाद जो है ना मैं इसको अखबारें उठा के न्यू अखबारें बिछा देती हूँ, जिसरा मेरी अलमारी जो है ना चकनाई से महफूज रहती है, गंदी नहीं होती। तो मैंने सारा टोटल जाले शाले मतलब के अंदर से जो है ना सारे डब्बों को साफ, यानी टोटली मैंने सफाई कर दी। और बिलास जो है ना अब ये देखें अपने काम में लगे हुए, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल बिला सारा लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने किचन की न्यू लुक। हाँ, थक तो नहीं गए? तंग करती हूँ ना तुम्हें बहुत ज्यादा। जरूरत से ज्यादा ही तंग करती हूँ। मेरे मियाँ मुझे कह ही गए हैं कि जरूरत से ज्यादा ही तंग करती हो। क्या ये स्टैंड इधर कर दो ना, देखिए सारा किचन मैंने अब दोबारा फिर समेटना पड़ेगा बिलाल मुझे, ठीक है? बिलाल ये पूरी हो जाएगी जरा देखना, मैं चाह रही थी बिल्कुल यहाँ कोने तक आए ना। हो जाएगी। मेरे बच्चे सारे सो चुके हैं भाई, मैंने बिलाल को आधी रात देखें किस मुसीबत में डाल दिया है। मेरी तमाम औलादें जो हैं वो सो चुकी हैं, परी जो है देखें आज मेरे बगैर ही सो गई है, और रात के देखें 11 बज रहे हैं। और मैंने इन्हें कहा कि भाई मुझे किचन जो है आज डेकोरेट करना ही करना है, मुझे इसके नीचे स्ट्रिप लाइट लगा कर दें। क्यों बिलाल नहीं गई पूरी? कहाँ था? अच्छा भाई, ये देखें ये किचन में इन्होंने स्ट्रिप लाइट लगा दी है, और ये वाले जो फूल है ना ये अभी इसका फैसला नहीं हुआ, ये मैंने कहाँ लगाने, अभी ये लगाती हूँ, ठीक है? अब मैं इसको लाइट जो है जलाऊंगी, अभी लाइटें जल रही हैं। और ये देखें भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 1 2 3 गो, वाओ जबरदस्त बिलाल, आई लव यू। अच्छा, अब मैं लाइट जो है ना बंद करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें जबरदस्त आई बिलाल, बिलाल I will, I love you. I love you. जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ना एक और मेरा आइडिया आया है कि यहाँ पे जो ना ये तो यहाँ पे लगी हुई है ना, मैं यहाँ पे एक जो है ना ब्लू कलर की या व्हाइट लाइट जो ना वो लगाऊंगी, वो भी बड़ी जबरदस्त लगेगी। क्या कहते हो बिलाल?
है ना, जबरदस्त। मैं दूर से दिखाती हूँ भाई आपको, इसका दूर से व्यू दिखाती हूँ। वाह जबरदस्त, थैंक यू बिलाल, मैं इतनी खुश हो रही हूँ, कसम से मुझे इतनी खुशी हो रही है। और मैं चाहती थी कि यहाँ पे ना स्ट्रिप लाइट हो। और अब मैं लाइट चला के दिखाती हूँ, ये देखिए जबरदस्त। लाइट बंद हो तो बहुत खूबसूरत लगता है किचन। अब हमने ये वाले जो फूल हैं ये लगाने हैं, ये समझ नहीं आ रही। मैं सोच रही हूँ कि ये जो फूल है ना, ये वाला, मैं बिलाल से कह रही थी कि यहाँ पे जो है ना ये सेट कर दें इस जगह पे, ये बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे प्यारा लगेगा। और बिलाल आते हैं, उनसे मैं कहती हूँ ये भी लगा के दें। चलें जी, बिलाल ने मेरी फरमाइश तो पूरी कर दी और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इतना तंग करती हूँ। बिलाल मुझे कह रहे थे, कहते तोबा तोबा, तुम्हारे जैसी बीवी अल्लाह किसी को ना दे। ये मुझे कह रहे थे सुबह मैं कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे अभी सब लाइटें लगा कर दें, जो भी है स्ट्रिप लाइट अभी लगवानी है मैंने। तो जनाब मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी तो आवाज भी बैठ गई है, मैं इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ बोल बोल के मेरी बस गला ही बैठ गया। खुशी, लोगों के खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, तो मेरे खुशी के मारे जो ना मेरी आवाज बैठ गई है। चलिए जी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह निगेबान, बाय बाय। मेरा किचन कितना प्यारा लग रहा है, वाह।